Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। हिंदू धर्म में अगहन मास का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पांचवा माह माना जाता है। इसे मार्गशीर्ष नाम भी कहते हैं। यह मास हिंदू व्रत त्योहारों के लिए काफी खास माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा होता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के साथ कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा और फिर अगहन मास आरंभ हो जाएगा। इस साल अगहन मास का आरंभ 9 नवंबर 2022 से हो रहा है। सुहागने अपने परिवार के उन्नति लिए करती है ये व्रत। ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन गुरुवार को अगर सुहागिने बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आती हैं। इस परंपरा का निर्वाह आज के दौर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। इस माह जो सुहागन लक्ष्मी की श्रद्धा से उपासना करती है वह अपने घर में इस व्रत का पालन करती है, उन्हें जीवन में धन की कमी नहीं होती। परिवार में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है, इसलिए सुहागन स्त्रियों को अपने घर की खुशहाली के लिए इस व्रत को करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में आते हैं ये त्योहार। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का नौवां महीना अगहन का होता है। इस माह को भगवान श्री कृष्ण का महीना भी कहा जाता है। इस माह में कई बड़े व्रत और त्योहार भी आते हैं। अगहन माह में काल भैरव अष्टमी, उत्पन्ना एकादशी, विवाह पंचमी, नंदा सप्तमी, मोक्षदा एकादशी और अनंत त्रयोदशी मनाई जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन दत्त जयंती का पर्व मनाया जाता है। चंद्रमा दोष से पा सकते हैं छुटकारा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्रमा संबंधी कुछ उपाय करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं या फिर दोष को कम कर सकते हैं। इसका उपाय हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। अगहन मास में शंख की पूजा करना शुभ। इस माह में शंख की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि शंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु इसे धारण करते हैं। अगहन को क्यों कहा जाता मार्गशीर्ष? अगहन मास को मार्गशीर्ष नाम से भी जानते हैं। मित्रों, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी और ये कोई और नहीं बल्कि 27 नक्षत्र है। इसका संबंध 27 नक्षत्रों में से एक मृगशिरा नक्षत्र से है। इस माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इस कारण इसे मार्गशीर्ष मास के नाम से जानते हैं। स्नान दान का महत्व। अगहन मास में यमुना नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इस मास में स्नान करने से हर दोष से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप तीर्थ स्थलों पर स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर नहा सकते हैं। इससे भी तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। अगहन माह में हर दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। रोजाना शंख में जल या दूध भरकर अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही बाल गोपाल को तुलसी, मोरपंख आदि चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही पीली मिठाई, माखन मिश्री आदि चढ़ाएं। ऐसा करने से हर तरह के दोष से छुटकारा मिल जाता है। इस माह में हुआ था श्री राम और सीता माँ का विवाह। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में इस तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस माह में मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इस कारण इस माह का खास महत्व बताया जाता है। मित्रों, इस महीने तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव नहीं तो गुरुवार को इस नियम का पालन अवश्य करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन को जरूर दबाएं।